नमस्कार, मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगा कि कोरोना को लेकर हम सबकी लापरवाही कैसे धीरे धीरे एक भयंकर रूप ले सकती है, कैसे थम रहे कोरोना के मामलों ने भारत में दोबारा पकड़ ली है रफ्तार, और कोरोना को लेकर क्या है भारत की तैयारी, इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के बाद कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले भारत में हैं? और हाँ, जिन्हें लग रहा है कि कोरोना खत्म हो गया है, बिना मास्क लगाए फैंटम बने वो इधर उधर घूम रहे हैं, उनको ये आंकड़े जरूर जान लेने चाहिए। इंडिया में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 90 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 46,232 नए संक्रमित मरीज आए हैं, वहीं 564 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। मतलब कोरोना का खतरा खत्म नहीं हुआ है। और हाँ, दो गज की दूरी वाकई अभी भी है जरूरी, इसलिए फैंटम बनने से बढ़िया जितनी सावधानी बरत सकते हैं बरतिए, अपनों के लिए ना सही तो अपने परिवार के लिए, लेकिन सावधानी जरूर बरतिए। वैसे एक अच्छी बात यह भी है कि बीते दिनों नए संक्रमितों से ज्यादा 49,715 मरीज कोरोना के ठीक भी हुए हैं। कोरोना मामले बढ़ने की यह संख्या दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है, वहीं मौत की संख्या दुनिया में छठे नंबर पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 90,50,000 हो गए हैं। इनमें से अब तक 1,33,726 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी है। कुल एक्टिव केस 4,39,747 पर आ गई है। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या 4,047 घट गई है। अब तक कुल 84,78,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 49,715 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के अनुसार देश में 20 नवंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 13 करोड़ 5 लाख सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 10 लाख सैंपल कल टेस्ट किए गए। पॉजिटिविटी रेट 7% है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कोरोना वायरस के एक्टिव केस, मृत्यु दर और रिकवरी रेट का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। राहत की बात है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही भारत में रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल देश में मृत्यु दर 1.47% है, जबकि रिकवरी रेट 93.62% की है। एक्टिव केस 5% से भी कम है। सबसे ज़्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का छठा स्थान है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। रिकवरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में हुई है। मौत के मामले में अमेरिका और ब्राज़ील के बाद भारत का नंबर आता है। तो बात ये है कि फिलहाल भारत में कोरोना का संकट अभी टला नहीं है। ऐसे में आपसे अपील है कि आप जितना हो सके उतनी सावधानी को बरतिए और देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एबीपी अनकट। शुक्रिया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।